हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 25वीं जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चीका के 8वीं कक्षा में अमन कुमार ने गोल्ड मेडल जीतकर देश और स्कूल का नाम रोशन किया है। आज अमन कुमार के स्कूल पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन कमेटी, स्टाफ, ग्रामीणों व परिवार ने उसका जोरदार स्वागत किया और गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी। यह प्रतियोगिता 11 जनवरी से 15 जनवरी तक जिला कुरुक्षेत्र में आयोजित हुई थी। वहीं अमन कुमार ने गोल्ड मेडल जीतने का श्रेय अपने माता पिता स्कूल प्रशासन को दिया है। स्कूल प्रिंसिपल सर्वजीत सिंह व प्रबंधक कमेटी प्रधान मेजर सिंह ने बताया कि टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चीका के 4 विद्यार्थी मुस्कान सीडा, खुशी सीडा, किरणजीत कौर और अमन कुमार चयनित हुए थे, जिसमें से अमन कुमार ने नेशनल में पहुंचकर हरियाणा राज्य की टीम का उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम से मुकाबला हुआ और मुकाबले में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता है। स्कूल प्रधान मेजर सिंह ने बताया है कि गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन समय समय पर खेल प्रतियोगिता करवाता रहता है, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ स्वस्थ रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी स्कूल के बच्चों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में कई मेडल हासिल किए हैं। अमन, आपने प्रतियोगिता में भाग लिया था और गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ प्रतियोगिता हुई थी? कुलक्षेत्र प्रतियोगिता हुई थी। मैं गुरु तेग बहादुर स्कूल से हरियाणा की टीम से मेरी सिलेक्शन हुई है। हमारे पीटीआई सर ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया और मैंने बहुत मेहनत की, तो इसलिए हम गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता और पीटीआई और अपनी सुपर जिमें जगह जगह हर साल साढ़े बच्चे जो खेडों के हिस्सा लेंगे ने, इस साल भी हूँ जो 13 तरीक तो लैके 11 तरीक तो लैके 14 तरीक तक कुरुक्षेत्र के बाल टैनिस बाल चैंपियनशिप हुई सी क्रिकेट, वो भी हरियाणा की जो टीम ने भाग लिया, जिदे साढ़े स्कूल का बच्चा गुरु तेग बहादुर स्कूल का बच्चा अमन है, उन्हें भी हिस्सा लिया तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरियाणा ने वो गुरु तेग बहादुर का अमन कुमार उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने साढ़े इलाके का गुरु तेग बहादुर स्कूल का तो पूरे प्रदेश का नाँ रोशन किया है। असी उन्होंने साढ़े स्कूल स्टाफ का साढ़े पीटीआई संजय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बच्चों को मेहनत करा के खेल दे समाज के अगे लिया है। साढ़ा जूनियर नैशनल टैनिस बाल क्रिकेट चैंपियनशिप में गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का लड़का कुमार, इसने राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था कुरुक्षेत्र में 11 से लेके 15 जनवरी तक, उसमें हमारा जो बच्चा है गोल्ड मेडल लेके आया है और हरियाणा स्टेट में प्रथम रहा है। गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमेशा बच्चों की खेलों में प्रतिभा को निखारने के लिए समय समय पर प्रतियोगिताएँ करवाता रहता है। 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को भी हमने 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था और हमारा जो मोटो है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो है शारीरिक विकास हो, बच्चों में टीम स्पिरिट की भावना आए, कोऑपरेशन की भावना आए, इसलिए समय समय हम ऐसी प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं। हरियाणा के कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट।